टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द रेशनल इंडिसेस के नियम एंड मिलर इंडिसेस। परीक्षा में आपको ये पूछा गया है कि डिफाइन यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस। कैलकुलेट मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन विच कट क्रिस्टल एक्सिस एट दिस इंटरसेप्ट दिस इंटरसेप्ट एंड दिस इंटरसेप्ट। सो ये इंटरसेप्ट हैं क्रिस्टलो एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस माने एक्स वाई जेड तीन डायमेंशन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का उत्तर आप कैसे दे सकते हो? सिंपल तरीके से आप देखिए, यह हमने दो डायमेंशन में दिखाया है यूनिट सेल को। यूनिट सेल को आप यह समझिए कि वह स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट है, स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम या आयन इन द क्रिस्टल विच कैन बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म ए बिग क्रिस्टल आर क्रिस्टल लैटिस आर स्पेस लैटिस। तो आप देखिए कि दो डायमेंशन में यहाँ हमने लिख दिया, अगर एक्स एक्सिस लिखा और इधर लिखा वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आप देखो कि हमने एटम को या आयन है ये अरेंज है। तो इसका ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है। तो ये स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट है, इसी को आप रिपीट करो, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो दो डायमेंशन में आपका अरेंजमेंट दिखने लगेगा। तो इसी प्रकार से आप तीन डायमेंशन में देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी क्रिस्टल है, ये क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पर आइटम्स या कंस्टिट्यूएंट आयन हैं, ये अरेंज हैं। तो इसी को अगर आप यहाँ पर रिपीट करो, जैसे कि ऐसे रिपीट कर दिया जाए, ये हम देखे रिपीट कर रहे हैं लाइक दिस, ये रिपीट कर रहे हैं, ये रिपीट कर दिया हमने, इसको हमने रिपीट कर दिया, ये यूनिट सेल कही जाएगी। स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशन, तो इसी को आप यहाँ रिपीट करो तो आपका क्या होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, लाइक दिस। आप देखो ये बन गया। अब यहाँ भी आप रिपीट करो, इसी को रिपीट कर दीजिए, यहाँ रिपीट करिए, इस प्रकार से आपका ये स्पेस लैटिस बन जाएगी। तो यूनिट सेल क्या है कि स्मॉलेस्ट, दिस इज द यूनिट सेल, ये क्या है आपकी, ये है आपकी यूनिट सेल, यूनिट यूनिट सेल, ये यूनिट सेल हो गई। अब आप देखो कि कहता है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड सेवरल टाइम्स गिव स्पेस लैटिस, जो मैंने बताया आपको। इन फैक्ट यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट सैंपल ऑफ द क्रिस्टल, एक नमूना, उसी यूनिट सेल को हम देख करके ये बता सकते हैं कि हमारा क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है। ये विभिन्न प्रकार का जो मैं ये नाम ले रहा हूँ, ये सब आपको बताएंगे
कि व्हाट इज द सिंपल क्यूबिक, व्हाट इज द फेस सेंटर एंड व्हाट इज द बॉडी सेंटर. नाउ कम टू अनदर टर्म, स्पेस लाइटिस. स्पेस लाइटिस जो है ये क्या है? तो कहता है स्पेस लाइटिस इज एन अरे ऑफ पॉइंट्स. पॉइंट का माने जहाँ पर हमारे एटम या आयन उपस्थित हैं. तो लाइटिस इज एन अरे ऑफ पॉइंट्स विच शोज हाउ एटम्स आयन्स आर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन द थ्री डायमेंशन. तीन डायमेंशन में किस प्रकार से आइटम हो सकता है कि क्रिस्टल का जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है वो पार्टिकल आइटम हो, वो आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, जो भी हो. तो तीन डायमेंशन में उसका जो अरेंजमेंट है वो दिखता है. तो इस प्रकार कहते हैं कि यह जो हम एक नाम देते हैं स्पेस लाइटिस, तो स्पेस लाइटिस फॉर्म कैसे होती है? यूनिट सेल के बार बार थ्री डायमेंशन में रिपीट करने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं स्पेस लाइटिस, या उसको कहते हैं क्रिस्टल लाइटिस. सो इन दिस वे आप ये देखो, आपने एक यूनिट को जोड़ दिया, एक और जोड़ देंगे तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पेस लाइटिस हो गया. ये यूनिट सेल है, ये अब ये दो रिपीट कर दिया, तीन कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, ये सब मिल करके क्या होगा, स्पेस लाइटिस बन जाएगी. तो इस प्रकार से आप स्पेस लाइटिस को समझ सकते हैं. यूनिट को मैंने ये दिखा दिया कि ये जो है ये स्पेस लाइटिस है, इसमें दो यूनिट सेल रिपीट, एक ही यूनिट सेल को एक बार और रिपीट किया. तो इस प्रकार से आप स्पेस लाइटिस को समझ सकते हो. तो व्हेन यूनिट सेल इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द स्पेस इट फॉर्म स्पेस लाइटिस. तो स्पेस लाइटिस आप बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो. कहता है टाइप्स ऑफ लाइटिस, लाइटिस के कितने प्रकार होते हैं. तो कहता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल लाइटिस. वन इज द सिंपल आर प्रिमिटिव क्यूबिक लाइटिस, दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लाइटिस, तीसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लाइटिस. अब ये तीन प्रकार की जो यूनिट सेल है, या इसको क्रिस्टल लाइटिस कह सकते हैं, तो हम इनके बारे में जानें कि ये क्या है. तो सिंपल क्यूबिक लाइटिस क्या है? इसका मतलब है ऐसी लाइटिस तीन डायमेंशन में क्यूब के आठ कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे आइटम हो सकता है, आयन हो सकता है. केवल सिंपल तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट हो गया कॉर्नर पर. क्यूब के केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट अगर आइटम आयन या मॉलिक्यूल का है तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक. तो इन दिस टाइप ऑफ द लाइटिस सेल कंस्टिट्यूएंट आइटम आर आयन्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब ओनली. अब आता है ये दूसरा, थोड़ा सा इससे डिफरेंट आपको दिख रहा है, यह फेस सेंटर है. हम जानते हैं कि एक क्यूब के अंदर आठ कॉर्नर होते हैं और छः प्लेन होते हैं, या छः फेस होता है. वन इधर आइए, टू इधर आइए, थ्री ये फोर, अपर एंड लोअर, तो छः फेस हो गया. आप कमरे में आप देख सकते हो कि छः प्लेन होता है, चार साइड की दीवारें होती हैं, एक छत होता है,
एक ग्राउंड होता है। एग्जैक्टली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सिक्स फेसेस ऑफ द क्यूब, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन दिस वे। तो कहता है कि कॉर्नर के अतिरिक्त भी कंस्टिट्यूएंट आइटम या आयन अगर फेस के मध्य में है तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। क्यूब है, 8 कॉर्नर पे आइटम है तो केवल 8 कॉर्नर पर है तो सिंपल है, लेकिन फेस के अंदर भी अगर आइटम का अरेंजमेंट है या आयन का अरेंजमेंट है तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो आप देखो कि इसमें इन दिस टाइप ऑफ द लैटिस पॉइंट्स आर अरेंज, नंबर एक एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। पहली बार यहाँ पर आपको दिखाया 8 कॉर्नर पे ये अरेंज होंगे। नंबर दो, पॉइंट्स आर अरेंज एट 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, 6 फेस पे ये अरेंज है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक बताया सिंपल, दूसरा बताया फेस सेंटर। इसके बाद एक, अब इसके बाद आता है बॉडी सेंटर। ये देखिए बॉडी सेंटर लैटिस है, इसमें यहाँ पर 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर आप देख रहे हो कि यहाँ कंस्टिट्यूएंट आइटम है, ये कंस्टिट्यूएंट आइटम है, ये है, ये है, ये है, ये कंस्टिट्यूएंट आइटम्स है या आयन है, जो भी आप चाहो कह सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये पूरे एक क्यूब के मध्य में, बीच में जिसको हम बॉडी कहते, ये बीच में अभी एक है और कहीं नहीं है। फेस सेंटर में फेस पर होगा, लेकिन बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर पर होंगे और एक मध्य में होगा, ये पूरे क्यूब के मध्य में। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं बॉडी सेंटर। इसके बारे में ये बताया गया, इन केस ऑफ बॉडी सेंटर क्यूब लैटिस पॉइंट 8 पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, दूसरा 1 पॉइंट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द क्यूब। जैसा मैंने आपको बताया कि 8 कॉर्नर पर 8 हैं और यहाँ आपको क्या मिल गया, 8 कॉर्नर के बाद एक बॉडी के अंदर बीच में मध्य में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो आयन आइटम कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि हमने 3 प्रकार की लैटिस के बारे में आपको बता दिया, सिंपल क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। हर एक क्रिस्टल में प्लेन होते हैं तो एक्सिस होती है। क्रिस्टल का एक प्रथम नियम है, क्रिस्टलोग्राफी के नियम में प्रथम नियम ये है कि क्रिस्टल किसी भी भांति से बनाया जाए उसके जो इंटरफेस एंगल होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दूसरा नियम ये है कि लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, जैसे यह एक काल्पनिक प्लेन है जिसको हम यूनिट प्लेन कहते हैं, ए बी सी ये 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस है, कोई प्लेन से हम काटें तो इकाई प्लेन है तो एक्स एक्सिस को ए दूरी पर, माने यह ओ पॉइंट है, ये ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी, ओ सी बराबर सी,